पता से उसी लैपटॉप से मैं जो लेसे कुछ फुल फुल क्या जी अस्सलाम वालेकुम ठीक हो से ठीक है भाई रे पार कर बाकी हां आ जाते हैं और चल ठीक है सर अपना नाम मारूफ अहमद बताइए जो फायरिंग हुई इसके बारे में सर ये आज की फायरिंग जो है पाकिस्तानी फायरिंग है 2:45 से लेकर 3:10 तक जारी रही तो इससे जानी नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ लेकिन खौफनाक ऐसी दहशत फैली कि बच्चे स्कूल में आते जाते बाकी स्कूलों से अकेडमियों से ये नज़दीक है दूर स्कूलों के बच्चे नहीं बाकी लेकिन करीब करीब के जो इस एरिया में थे उनके वो बच्चे घरों में वापस आए तो फायरिंग आई थी दो गोलियाँ जो हमारे इस मकान के अंदर पहुँची अपने दीवार तोड़ के दरे तोड़ के शीशे तोड़ के अंदर पहुँची लेकिन जानी नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ इस इलाके में पहले तो सुबह जिस वक्त हम नमाज के वक्त उस वक्त भी लगातार जो है चल रही थी तो किस तरह का माहौल है यहाँ के लोगों में डर का सर यहाँ तो एक एज पर रूटीन सा भी बन गया है लेकिन आज काफ़ी मतलब है दो हफ्तों के बाद आज ये दोबारा से फिर जो एक खौफनाक ये महसूस किया गया कि आज फिर दोबारा से वो डर का माहौल हो गया है जिसमें हम रात पूरी रात जागता रहा तो हम यह सोचा था कि मई तो कोई शायद वो जंग आ गया कतर आ हमने समझ में नहीं आया पूरी रात निकलो बाल बच्चे मारो उसे रात सुतो ही और सवेरा उठ कर लगा नमाज पढ़ने फिर भी फायरिंग चले थी बेंटा और नमाज भी नहीं पढ़ने देती नमाज नहीं पढ़ने देती हमें क्योंकि इतना फायरिंग चले थी हम सोचा था कि हमने गोलीबारी और चलन पे आई इस पर बड़ा मजबूर हम थे निकलो बाल बच्चे रात पूरी बैठो सकते हो पूरा पानी जितनी बरसात गिरी है तो वो सब मकानों के अंदर हैं लोग बैठ कर रहे कोई कपड़ा नहीं इनके पास कुछ नहीं है गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं कोई मजदूरी नहीं है इस साल तो ऐसी बात है कोई भी पहले तो लोग जाके सिटी में कहीं भी मजदूरी करके चार पैसे लाते हैं इस साल तो मजदूरी भी कोई नहीं है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इसलिए हम लोग बहुत परेशान हुए इस इलाके में दहशत का माहौल है या कुछ ऐसा हाँ जी जो रात को फायरिंग हुई इसका दहशत का माहौल है इस इलाके बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है लोगों को बहुत ज़्यादा डर है कब भी जंग लग जाए या कोई लड़ाई झगड़ा या गोलाबारी पार से आए हमारा माली और जानी नुकसान हो जाए लोगों को बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का इस इलाके में पहले ही फायरिंग होती थी या आज रात पहले होती थी पर पहले कम होती थी कि बॉर्डर पर आज तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है झगड़ा होता है हाँ और